Below. The words given in the box below are all rhyming words. नीचे जो हमें बाक्स बनाएंगे उसके अंदर जो सारे अल्फाज लिखे होंगे उनको करेक्ट जगह पर लिखना है, उस हेडिंग ऊपर बनी होगी उसके नीचे उनको अल्फाज को लिखना है। तो अल्फाज पर लिख लेते हैं बाक्स में कौन कौन से हैं। डेयर, रिपेयर, डेयर, रिपेयर, डेयर, फेयर, स्केयर, near, pair, near, pair, care, and near, P-A-I-R, pair, care, pair. Tear, repair, hair, fair, scare, near, tear, care, tear. ये अल्फाज है। समझने के बाद से अब नीचे ए आर ई वाले इसके नीचे लिखेंगे, उसके बाद ए आई आर, उसके बाद कौन से आएंगे ऊपर लाल वर्ड दिए गए हैं ए आर ई जिनके आखिर में आता है यहाँ पे लिखेंगे ए आई आर वाले यहाँ पे ई ए आर वाले इसके नीचे। तो पहले पहले ए आर ई वाले पहले पहले डे आर डी ए आर ई डे आर प्यार आर बी ए आई आर इसके आखिर में क्या है ए आई आर इस यहाँ पर लिखे हुए प्यार आर ई बी ए आई आर प्यार। उसके बाद ई ए आर एच ई ए आर प्यार ये प्यार आ गया इसके नीचे ये ए आर ई है उसके बाद क्या है नियर सॉरी ये ए आर ई वाला है ए आर ई वाला यहाँ पे है स्केयर एस सी ए आर ई स्केयर आखिर में ए आर ई उसके बाद नया वो उसके आखिर में क्या है ई ए आर
N-E-A-R, near. Pair, P-A-I-R, यहाँ पे आएगा P-A-I-R, pair. उसके बाद क्या है, केयर, क्या आया था मैं, A-R-E, यहाँ पे आएगा C-A-R-E, केयर. आखिर क्या है, टेयर, T-E-A-R, टेयर, E-A-R में आएगा, T-E-A-R, टेयर. हमारे जो पूरे कितने थे, नौ वर्ड वो आ गए हैं यहाँ पे, A-R-E वाले यहाँ पे, A-I-R वाले यहाँ पे लिख दिए, E-A-R वाले हमने यहाँ पे लिख दिए. हमने क्वेश्चन के मुताबिक इसका आंसर दे दिया है. अब आगे दूसरा पढ़ते हैं. चैप्टर फाइव शुरू हो रहा है. चैप्टर फाइव नाउ. अब चैप्टर फाइव और क्या है नाउ. नाउन किसे कहते हैं, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. इसमें किसी शख्स का, यानी जो नाम होता है किसी शख्स का, जगह का या चीज का, उसको इसम कहते हैं. किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को इसम कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अली, लाहौर के बाद बुक. पर्सन अली, प्लेस लाहौर, थिंग बुक. ये नाउन की तारीफ थी. उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं क्या है. रीड ईच सेंटेंसेस, क्वेश्चन जो बन रहा है. ईच सेंटेंसेस, सेंटेंसेस जुमले, हर जुमले को पढ़े. फाइंड द नाउन्स, फाइंड द नाउन्स, और नाउन्स जो है वो तलाश करना जुमले में. उसके बाद राइट देम ऑन द लाइंस, राइट देम on the lines. जब नाउन ढूंढ ले तो उसको उस जुमले के नीचे जो लाइन बना के लिखना है. तो पहला फिक्रा जुमला लिखते हैं, अस्मा गोज टू द मार्केट, अस्मा गोज टू द मार्केट. अब इस सेंटेंस जुमले में आपने नाउन तलाश करना है. हाँ भैया, यहाँ पे नाउन लिखते हैं. पहले पहले तो अस्मा नाउन है, अस्मा नाउन है. उसके बाद और नाउन है मार्केट, प्लेस के नाम जगह है. पहले सेंटेंस में हमने दो, एक अस्मा और एक
बाहर कीट ये क्या है नाउन। उसके बाद दूसरा शी बाइज एप्पल्स, शी बाइज एप्पल्स, वो सेब खरीदती है। इसमें नाउन तलाश करना है क्या है एप्पल्स, एप्पल नाउन। दूसरा सेंटेंस जुमले में क्या एप्पल्स नाउन है। उसके बाद नंबर थ्री अस्मा ब्रिंग्स द फ्रूट होम, अस्मा ब्रिंग्स द फ्रूट होम। अस्मा ब्रिंग्स द फ्रूट होम, अस्मा घर फल लाती है। अब यहाँ पे नाउन तलाश करना है, अस्मा नाउन है फ्रूट होम, यहाँ पे लिखेंगे अस्मा बरे नंबर दो फ्रूट। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या है होम, ये तीनों क्या है नाउन्स है। उसके बाद चौथा स्टेंस नंबर फोर शी क्लीन्स द टेबल, शी क्लीन्स द टेबल, वो मैं साफ करती है, शी क्लीन्स द टेबल। तो यहां पे क्या होगा टेबल, टेबल। उसके बाद फोर हो गया, उसके बाद फाइव फाइव में क्या है अस्मा इज अ गुड गर्ल, अस्मा इज अ गुड गर्ल, अस्मा एक अच्छी लड़की है। तो क्या होगा अस्मा और गर, ये दोनों क्या है नाउन है। एक होगा अस्मा और क्या होगा गर लड़के। उसके बाद नंबर छह शी हेल्प्स हर मदर, शी हेल्प्स हर मदर, वो अपनी माँ की मदद करती है, हेल्प करती है। तो यहाँ पे क्या होगा मदर, यहाँ पे नाम क्या होगा सिर्फ मदर। तो बस ये नाम नाउन भी पढ़ लिया है चैप्टर फाइव का। पहले चैप्टर फोर का वो पढ़े थे रेमन वर्ड्स, अब ये चैप्टर फाइव का नाउन सेंटेंस लिखे हुए थे वो मैं फाइंड कर रहे थे नाउन, हमने वो कर लिया है, इतना काफ़ी है। फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह ताला आप सबका और हमका हामी होना सही अल्लाह हाफिज़।